अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। जैसा कि मैंने पिछली बार वादा किया था आपसे कि मैं एक नॉन टेक वीडियो भी लाऊंगा, तो आज के वीडियो में हम करेंगे एक प्रैंक कॉल फ़हीम को, जो कि फ़हीम व्लॉग्स के नाम से चैनल है, उनके साथ करेंगे प्रैंक कॉल और देखेंगे उनका रिएक्शन क्या है। नीचे उनकी लिंक दी गई है उनके चैनल की, तो आप जाके विज़िट कर सकते हैं और देखेंगे उनका रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, को फोन ही मस्ती बगम कैसे कर फोन, एक मिनट रुकिएगा, मैं फोन लेके आता हूँ। तो ला चुका हूँ मैं अपना फोन, छोटा सा फोन है, इसी से उसको फोन करेंगे और देखेंगे कि उसका रिएक्शन क्या रहता है। ठीक है, और इस मई दिन की तरह बी फ्रैंक, लेट्स डू द फ्रैंक। लाउड रख देता हूँ। 2000 years later. Five minutes later. वालेकुम सलाम, क्या मेरी बात फहीम से हो रही है? फहीम बेटा, आप व्लॉग्स बनाते हैं ना शायद? मैं निषाद पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। जी सर, बोले बोले। बेटा आपने कुछ दिन पहले व्लॉग बनाया था, नहीं बनाया था? जिसमें आपने विदाउट हेलमेट और आपके पास लाइसेंस भी नहीं था और आप तेज बहुत चला रहे थे स्कूटी, तो कुछ रूल्स आपने तोड़े हैं और आपकी जो आईडी है यहाँ पे हमारे सामने है, जो कि आपका YouTube अकाउंट है, वो हमारे सामने साइबर सिक्योरिटी वालों ने अभी मेरे सामने ओपन किया। तो आपकी एज उतनी नहीं लगती, आप 18 प्लस है और आप पहले स्कूटी चला रहे थे, तो आप जो रूल्स है वो फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से आपकी जो YouTube चैनल है वो हम टर्मिनेट करेंगे। मसला इस तरीके से है कि आपने जिस तरीके से वीडियो बनाया है, अगर वो दूसरे लोग देखते हैं, वो आपके मतलब जो आपने गलतियाँ की वही गलतियाँ वो भी दोहराएंगे। यानी विदाउट हेलमेट आपने गाड़ी चलाई और बहुत ही तेज़ आप चल रहे थे और वो यूट्यूब पे डाला। तो सब गलती करेंगे तो आप भी गलती करेंगे। नहीं, आपको लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ, यहाँ पे बैठा हूँ मजाक करने के लिए? जो टीनेजर्स देखते हैं वो तो आप ही का वीडियो ऐसे ही कुछ जाएंगे विदाउट हेलमेट पहन के जाएंगे, तो अगर आप नहीं चाहते हैं ना मैं आपकी यूट्यूब चैनल टर्मिनेट करूं यहाँ पे, तो आपको अपने पेरेंट्स में से किसी को लाना होगा, या तो यहाँ लाओ आप। बेटा आपको पेरेंट्स को लाना ही लाना होगा, क्योंकि आप जिस तरीके से आप वीडियोस डालते हैं ना, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है फॉर द यंग जनरेशन। बेटा आपको पेरेंट्स में से किसी को तो अभी फोन पे लाना होगा जिससे मैं बात कर सकूं। आप घर में नहीं है तो अभी हम पता लगाएं आप कहाँ हैं, क्योंकि मैं अभी वहाँ पे बैठा हूँ, मैं अभी आपकी लोकेशन सब निकाल सकता हूँ। मैं चेक करूँ फिर अगर आप आउटसाइड हो। तो मुझे बोलिए कि मैं ऐसा क्या करूँ कि आपकी मैं चैनल जो है टर्मिनेट ना कर पाऊँ। मुझे बोले, तुमने क्या समझ में नहीं कहा?
जी जी लाइसेंस है मेरे पास, लाइसेंस है मेरे पास। आपके पास लाइसेंस है? जी सर। तो हेलमेट क्यों नहीं आपने पहना? तो आप माफ़ी मांग रहे हैं कि, और उस वीडियो का जो पार्ट है ना आपका, जो भी मतलब जिस पार्ट में आपने वो स्कूटी वैसे राइड की है जी, तो वो आपको डिलीट करना पड़ेगा, या तो पूरा वीडियो डिलीट करना पड़ेगा या तो वो पार्ट करना पड़ेगा। तो कब तक, कब जी? लेकिन बेटा जैसे आप चला रहे थे ना, वो तो बहुत ही गलत है ना। आप खुद बोलिए, आप हेलमेट के बगैर चला रहे थे, इतनी तेज चला रहे थे गाड़ी। तो आपको नहीं लगता ऐसा? तो बेटा आप कब तक वो वीडियो जो है वो डिलीट कर पाएंगे या प्राइवेट रख पाएंगे? सर प्राइवेट तो मैं अभी रखूंगा, फिर एडिट कर देखूंगा, हो सकता है कुछ अगर हुआ तो कर दूंगा, अगर नहीं हुआ तो प्राइवेट ही रखूंगा। ये हाँ कम्युनिटी का, और आगे भी आपको अगर ऐसे वीडियोस हमने देखे आपके चैनल पे, तो हम विदाउट इन्फो मतलब हम आपको बोलेंगे कुछ नहीं, हम सीधे आपकी चैनल जो है टर्मिनेट कर पाएंगे, क्योंकि हमारे हाथ में सब होता है, जैसा कि अगर आपको पता होगा। yes, sir, देखो, sir, तो हम आपकी YouTube चैनल जो है कभी भी टर्मिनेट कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी अपना जो वीडियो है वो आप हाइड रखिए, प्राइवेट रखिए, क्या करिए, लेकिन वो मुझे दिखना नहीं चाहिए शाम तक। अरे अरे भाई फहीम फहीम, प्रैंक वाला चल रहा है? हाँ प्रैंक, प्रैंक कॉल चल रही थी, क्योंकि आज 1 अप्रैल है, शायद आपने कैलेंडर नहीं देखा। जी जी यार मैं कोई सर नहीं हूँ, मेरी आवाज अभी तक तुमने नहीं पहचानी फहीम। आपने मेरी आवाज नहीं पहचानी मैं कौन हूँ? अब कोई बात नहीं है। हाँ हाँ रिकॉर्ड चल रहा है, ठीक है। इसके आज उस 1 अप्रैल और तुम अप्रैल फुल बन गए, जैसे तुम हर किसी के साथ करते हो। तो जैसे आप किसी के साथ करते हैं ना प्रैंक, तो वैसे हमने भी आज किया, तो देखा कि दूसरे मतलब जिसके साथ हम प्रैंक करते हैं उसकी रिएक्शन क्या होती है सुबह से चाहिए आज। अरे नहीं भाई, वो तो आप वीडियो डिलीट मत करो, वो तो बहुत ही अच्छा वीडियो था, जो कंटेंट था बहुत ही अच्छा था, क्योंकि मतलब उससे देख के ना जो फॉरेनर्स है या टूरिस्ट जो आने वाले हैं वो आपका वीडियो देख के ज़रूर से ज़रूर विज़िट करेंगे कश्मीर एक बार तो सही। और आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, कीप इट अप, ठीक है। तो बैठो भाई, बाय बाय, लव यू बाय। तो उम्मीद तो नहीं की थी यार कि ऐसा रिएक्शन मिलेगा फहीम की तरफ से। फहीम बोल रहा था कि मैं अब यार वीडियो ही डिलीट कर दूंगा, उसे हाइड रख दूंगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो बहुत ही अच्छे कंटेंट्स बनाता है और जल्दी उनके साथ मीटअप भी होगा, मीटअप वीडियो भी जल्द ही जल्द आएगा चैनल पर। तो मेक श्योर कि आप चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिए एज सून एज पॉसिबल, यार कर लेना एक बार। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और लाता हूँ अगले वीक में एक और वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।